कटनी में जीआरपी थाना प्रभारी के ऑफिस में नाबालिग लड़के और उसकी दादी की पिटाई की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। मामला सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कटनी पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मामले में पुलिस ने काफ़ी बवाल के बाद गुरुवार रात को रोज नामचा में पीड़ित परिवार की सूचना दर्ज कर ली है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पीड़ित परिवार को लेकर कटनी के रंगनाथ नगर थाना पहुँच गए थे। वे केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे लेकिन अधिकारियों ने इनकार कर दिया। ऐसे में वह भूख हड़ताल पर बैठ गए। करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। रंगनाथ नगर थाना प्रभारी नवीन नाबदेव ने बताया कि इस मामले में पीड़ित महिला ने सूचना दी है कि उसके साथ जीआरपी थाना प्रभारी और जीआरपी कर्मियों ने मारपीट की है। सूचना दर्ज कर ली गई है, आगे की जाँच जीआरपी करेगी। वहीं जीतू पटवारी ने एफआईआर दर्ज होने को लेकर कहा कि कमी रहेगी तो विवेक तनखा जी से बात हुई है, हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर बहन को न्याय दिलाएंगे। गिरफ्तार करना चाहते हो, आमरण अनशन पे हूँ, समझ लो मैं चल तैयार हूँ, आपको जो मन आए वो करो। आप बिल्कुल नहीं, क्यों डीआईजी साहब मिलेंगे, यहाँ पे डीआईजी को बुलाओ।